गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चा हमारा चैप्टर चल रहा था कोरल एंड कोरल रीफ्स, प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। प्रवाल भित्तियों के लिए हमने बोला था कि जो कुछ सीलेंट्रेट्स के जो जंतु पाए जाते हैं, सीलेंट्रेट्स के जो जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बात की थी मिलीपोरा की, मेट्रीपोरा की, गोरगोनिया की, ठीक है ना, इनकी हीलियोपोरा की बात की। इनमें क्या होता है कि जो इनकी बेसल प्लेट की सेल्स होती हैं, बेसल प्लेट की सेल्स होती है, सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कवच का क्या करती है, स्त्रवण करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरल, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरल भित्तियाँ। ओके, जिसको इस प्रकार से हमने देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोरल्स की बात करने वाले हैं। हमने किसकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन भी इसका काटा था, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ कोरल्स की हमने बात की। टाइप्स ऑफ कोरल्स मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड्रोजोन कोरल्स, सेकंड होता है ऑक्टोकोरेलियन प्रवाल, ऑक्टोकोरेलियन कोरल्स, थर्ड होता है हेक्सा कोरेलियन कोरल्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें यदि बात की जाए, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि सीलेंट्रेटा जो फाइलम है, इसकी तीन क्लासें पाई जाती है। एक होती है हाइड्रोजोआ, एक होती है एंथोजोआ, एक होती है हेक्सोजोआ, ठीक है ना। तो इन तीनों क्लास के आधार में जो हाइड्रोजोआ क्लास होती है उसके जो सदस्य होते हैं, जैसे कि मिलीपोरा होता है, स्टाइलेस्टर होता है, डिस्टिकोपोरा होता है, ठीक है ना, ये कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं। ये किस में? कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें ब्रांच्ड कैल्शियम एक्सोस्केलेटन का कैल्शियम के बने हुए एक्सोस्केलेटन जो बाहरी कंकाल होता है, इसका स्त्रवण किया जाता है, इसका स्त्रवण किया जाता है, ठीक है। अब इसके स्त्रवण के द्वारा, इसका स्त्रवण, ये रूपांतरित भाग होता है एपिडर्मिस का, इसका रूपांतरण होता है एपिडर्मिस परत के द्वारा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग हाइड्रोजोआ के गण, क्लास हाइड्रोजोआ, वर्ग हाइड्रोजोआ के गण हाइड्रो कोरेलिया, हाइड्रो कोरेलिया के कुछ सदस्यों जैसे मिलीपोरा, जैसे मीलीपोरा, स्टाइलेस्टर, स्टाइलेस्टर तथा डिस्टिको पोरा, डिस्टिको डिस्टिकोपोरा निवाही, निवाही का निवाही सदस्य के रूप में कॉलोनियल फॉर्म, निवाही सदस्य के रूप में पाए जाते हैं। ये शाखादार ब्रांच्ड कैल्शियम बहिर्कंकाल, कैल्शियम एक्सोस्केलेटन का स्त्रवण करते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम एक्सोस्केलेटन का स्त्रवण करते हैं तथा तथा
अन्य प्रवालों में कोरल्स, अन्य प्रवालों के साथ प्रवाल भित्ति कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमने एक्सोस्केलेटन की बात की, एक्सोस्केलेटन जो रूपांतरित परत होती है अधिचर्म का ही क्या होता है, ये भाग होता है। हाइड्रोजन पवाल में प्रवाल में कैल्शियम, या कह सकते हैं प्रवाल कोरल कोरल बाह्य कंकाल अधिचर्म का, बाह्य कंकाल अधिचर्म का रूपांतरित रूप होता है। मॉडिफाइड रूप होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो जाता है हमारा क्या, हाइड्रोजन कोरल्स हो जाता है। सेकंड है ऑक्टोकोरेलियन प्रभाव। सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास ऑक्टो कोरेलियन प्रवाल। ऑक्टो कोरेलियन कोरल्स, ठीक है ना। जो वर्ग एंथोजोआ पाया जाता है, क्लास एंथोजोआ के जो जीव होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं गोरगोनिया की बात करते हैं, हम लोग हुईलियोपोरा की बात करते हैं, ट्यूबीफोरा की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के क्या होते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के कोरल्स पाए जाते हैं। एक एनिमल होता है इनका एल्साइनियम, ठीक है ना, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जैसे कि डेड मैन्स फिंगर होती है, किसी भी मृत व्यक्ति की, मृत मनुष्य की उंगलियां होती है, इस प्रकार से क्या पाया जाता है, बॉडी के चारों ओर कोमल कोरल पाए जाते हैं, सॉफ्ट कोरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। यदि बात की जाए ट्यूबीपोरा की यदि बात की जाए तो इसमें हमेशा पाइप के समान, क्या पाया जाएगा, कोरल कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ग एंथोजोआ के सदस्यों में अनेक प्रकार के कोरल पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमने बात की अल्सायोनियम की बात की है। एल्साइनियम वंश में मृत मनुष्यों की उंगलियों को डेड मैंस फिंगर फिंगर्स के रूप में शरीर के चारों ओर, शरीर के चारों
चारों ओर कोमल प्रवाल, सॉफ्ट कोमल प्रवाल, सॉफ्ट कोरल पाया जाता है, सॉफ्ट कोरल पाया जाता है। यदि बात की जाए मीजोगिलिया की बात की जाए तो मीजोगिलिया में कैल्केरियाई कंटिकाओं के रूप में पाया जाएगा। मीजोगिलिया में मीजो गिलिया में कैल्केरियाई कंटिकाओं का बना हुआ कोरल पाया जाता है, कोरल पाया जाता है। हमने बात की स्टोलिन फोरा की बात की, जिसमें पाइप लाइक या कह सकते हैं ट्यूबी फोरा में पाइप लाइक क्या होगा, कोरल पाया जाएगा। ट्यूबी फोरा में पाइप प्रवाल, पाइप कोरल पाया जाता है, पाइप कोरल पाया जाता है, जो कि लाल रंग का होता है, जो कि कितना कैसा लाल रंग का ये पाया जाएगा। हीलियोपोरा की यदि बात की जाए तो इसमें नीले रंग का कोरल पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लू कोरल भी। हीलियोपोरा नीले रंग के होते हैं, इसीलिए इन्हें नीले प्रवाल ब्लू कोरल कहते हैं, ब्लू कोरल कहते हैं। यदि बात की जाए गोर्गोनिया की, जो कि मोरपंख की तरह दिखाई देता है, तो इसमें क्या होते हैं सी फैंस की तरह ऊपर की तरफ निकले हुए सींगों की तरह निकला हुआ कोरल पाया जाता है। पौधों के समान में पौधों के समान समुद्री पंखे सी फैंस या श्रृंगी प्रवाल हॉर्नी कोरल्स, हॉर्नी कोरल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल गोर्गोनीसिया में गोर्गोनिया, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड वाला ऑक्टोकोरेलियन पवाल, और फर्स्ट था हाइड्रो
ज़ोन कोरल पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्साकोरेलियन प्रवाल की और कोरल रीफ्स की, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।